अभी हम जिस स्टॉल में आए हैं, बेनिफिशियल कोल यानी बहुत अच्छा नॉलेज दिए हैं कि जो भारतीय कोल है उसका 90% जो यूज है और जो उसका जो मतलब यूज में जो जो रसायन का यूज है वह सिर्फ थर्मल में यूज होता है, और लेकिन हमारे को स्टील बनाने के लिए बहुत अधिक यूज की ज़रूरत है कोल की, लेकिन वह कोल हमें विदेश से मंगाना पड़ता है। जो थर्मल टेक्नोलॉजी की जो कोल है जो हमारे धनबाद झरिया में मिलता है, उस कोल को स्टील इंडस्ट्री जैसे यूजफुल बनाना, यही साइंटिस्ट का काम। हमारे साथ वह साइंटिस्ट है और वह अपने इस टेक्नोलॉजी का परिचय देंगे और अपनी बात पूरी रखेंगे, हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम मोहन राव है। तो अभी हम लोग इंडियन वो डोमेस्टिक जरिया वाला कोल यूज़ करके उसको कैसे यूटिलाइज करना, जनरली इंडिया में जो कोल है 90% वो थर्मल के लिए है, जो कोल 10% है वही कोकिंग कोल के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन इंडिया वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, सीधा पूरा से पूरा सब थर्मल प्लांट में डाल रहा है, सो नॉन मेटलर्जिकल पर्पज में जा रहा है। इसलिए इंडिया में जितना स्टील प्रोडक्शन है हमारा कोकिंग कोल का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए स्टील प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, सो उस कारण से मैक्सिमम हम इंपोर्टेड कोल में भी डिपेंड हो रहा है। जैसे सर, जैसे अब जो ये जो कोल है ये हमारे भारत में झरिया में मिलता है ना, ये कोल का यूज थर्मल में जा रहा है अभी थर्मल नहीं, लेकिन जब क्लियर होता है, जब उसमें रिफाइन हो करके या कोल राइट सर, जैसा कि हमारा टेक्नोलॉजी यूज करने से ये नॉर्मल कोल को हम लोग वैसा बना के इसको स्टील इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, या तो देखिए अगर इसको सिंपल भाषा में समझिएगा तो दो तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। जो कोल है जो थर्मल में यूज हो रहा है वह भारी रहता है और उसका कार्बन परसेंटेज बहुत अधिक है और आपको देख के ही पता चल जाएगा उसका ब्लैक, लेकिन जो स्टील टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है वह कोल स्पंज जैसा लगता है और हल्का होता है। यही कोल खरीदा जाता है विदेश से, जो भारतीय इंडस्ट्री के लिए, भारतीय राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा खर्चा करना पड़ता है और उस देश को फायदा होता है, और ये साइंटिस्ट जिन्होंने अपने देश को फायदा करने के लिए अपने देश के वैज्ञानिक और एक टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसको आप यूज कीजिए और समझिए आकर कि यह कितना महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। अब हमारे साथ कुछ साइंटिस्ट है जो वह भी कुछ रिसर्च की है, उनसे भी बात करते हैं कि मैडम आपने क्या रिसर्च किया। मायसेल्फ शिप्रा घोष। तो हम लोग एक हाइड्रोफोबिक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग बना है, ये देखिए ये एक टिश्यू पेपर है तो इस साइड कोटेड है, तो हम इधर हाइड्रोफोबिक कोटिंग जो हम लोग लैब में बनाया है इस तरह कोटिंग कर दिया, आफ्टर 24 आवर्स ड्राइंग देखिए इसमें पानी डालने से देखिए कैसे सुपर हाइड्रोफोबिक हो गया, पानी इसमें लाग ही नहीं रहा। हाँ ये हम ये क्लॉथ्स है इसमें भी हम यूज़ किया, तो देखिए इधर भी इसका क्या औद्योगिक में क्या यूज होगा इसका। हम लोग ये सुपर हाइड्रोफोबिक सरफेस वाटरप्रूफ कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, वाटरप्रूफ पेपर बना सकते हैं, वाटरप्रूफ मेटल सरफेस बना सकते हैं, इसमें भी यूज़ होता है। और हम लोग अब जो हमारा जो सोलर सेल है एनएमएल के ऊपर उसमें भी हम लोग लगाया है, तो वो भी वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम लोग लगाया है। देखिए कितनी बड़ी रिसर्च, अगर यह रिसर्च अगर यूएसए में होगा तो हमको लगता है कि उसका मांग पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट अगर उनकी यह रिसर्च कर रही, कितना सिंपल चीज़ है, यह जो केमिकल है छोटा सा यूज करके आप प्लास्टिक का एक सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ मैडम आपको डेमो करके दिखाई हो, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सोलर प्लेट के ऊपर भी लगाया जा सकता है। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जमशेदपुर में है और ऐसा ऐसा रिसर्च हो रहा है जो भारत नहीं पूरे विश्व को देखने और समझने के लिए मजबूर कर देता है, और यह एक सप्ताह का रिसर्च है। आप भी आकर इसमें विजिट कीजिए और देखिए समझिए और अपने आप को कामयाब करिए। जो आज हमारे साथ साइंटिस्ट है उनसे पूछते हैं कि इसे आम भाषा में आप समझाने की कोशिश कीजिए कि आपने जो रिसर्च किया, आपने जो डेमो दिया हुआ है, यह आम लोगों की है या आम छोटे छोटे कुटीर उद्योग को कितना फायदा
फायदेमंद होता है और ये टेक्नोलॉजी को कैसे ये यूज करेंगे? हाँ, जैसे कि ये CRM है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, यहाँ इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री ही इसको यूज़ करती है। वो जो भी एनालिसिस मेथड करते हैं अपने एनालिसिस को विदाउट स्टैंडर्ड वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। जो भी डाटा जनरेट होगा वो कितना एक्यूरेट है, उसके एक्यूरेसी के लिए, उसके वैलिडेशन के लिए उसका उपयोग कितना होगा, उपयोग के लिए वो सही है कि नहीं आगे के लिए, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये स्टैंडर्ड है। और ये CRM इंडिया में सिर्फ NML ही बनाता है, और CRM आपको देश भर में कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। और हम लोग NABL से 17034 से एक्रीडिएटेड भी हैं, इसके लिए हमारा सर्टिफिकेशन है। तो इसको मैडम हम लोग अगर इसको देखें तो एक तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होगा, और लेडीज लोग बहुत आर्गमेंट पहनती है, सोना गोल्ड है, तो क्या उसको डोमेस्टिक यूज में भी अभी तक कर सकते हैं? अभी तक तो हमने गोल्ड का CRM नहीं बनाया है, बट यहाँ हमारे लैब पर प्रयोगशाला में इसका भी एनालिसिस होता है कि कोई किसी चीज़ की प्योरिटी का भी एनालिसिस होता है। आप कितने, आपने जो सामान, आप हाउस होल्ड जो भी सामान खरीदते हैं, चेयर है स्टेनलेस स्टील का, आपको जो भी कंपनी दे रही है, जो बोल रही है कि हाँ निकल ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, अगर वैसा नहीं है तो उसका एनालिसिस यहाँ मटेरियल टेस्टिंग भी होता है, केमिकल टेस्टिंग भी होता है, फिजिकल टेस्टिंग भी हो जाता है। आप जो उपयोग में ला रहे हैं बेसिकली यहाँ पे जो भी हो रहा है वो इंडस्ट्री के थ्रू फिर लोगों के तक जाता है, तो वो सही होना चाहिए, कंपोजिशन सही होना चाहिए, उसी के एनालिसिस के लिए हमारा ये स्टैंडर्ड CRM है। देखिए आम भाषा में इसको अगर देखा जाए तो एक तो लोहा का सॉलिड कोई पिंड है, स्टेनलेस स्टील, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें बहुत सा मटेरियल और बहुत सा एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी का यूज या साइंटिस्ट या स्टॉल में है। और हमें लगता है कि या सिर्फ साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं, आप डोमेस्टिक के लिए भी इसको फ़ायदेमंद बना सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भी बहुत सा स्टील चेयर, महिला लो सोना का आर्गमेंट और पीतल का, घर का चांदी का, जिससे भी यह फायदेमंद होगा, कुछ दिन के बाद यह भी बाजार में आएगा। और NML जो लेबोरेटरी, जो मेटल लेबोरेटरी है, उसके लिए सिर्फ यह NML में ही मिलेगा, और यह बहुत बड़ा रिसर्च और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरा नाम है राहुल रमन और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ हूँ। बेसिकली ये एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचरिस्टिक आइडिया पे एक मॉडल है। इस मॉडल का, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मॉडल में, कि वेस्ट वाटर को लेके और उससे हाइड्रोजन वाटर से अलग करना, पानी से अलग करना, जिसमें कि एनर्जी वेस्ट वाटर जितने भी ड्रेनेज सिस्टम से, और इसमें एनर्जी जो यूज़ हो रहा है वो भी एनर्जी ग्रीन एनर्जी है। इस वजह से ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इसका नाम रखा गया, क्योंकि इसमें जीरो कार्बन एमिशन है, इसमें कार्बन एमिशन बिल्कुल भी जीरो है, और ये वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा। और इस पर अभी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी हो रही है, यूज हो रहा है सर इसका भी? अभी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रही है यहाँ पे, इस अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, अभी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रही है। और दिन इसको लगेगा आने में और देखेगी यूज में? ऐसा है कि अभी इसे प्रपोज किया जाएगा सेंट्रल लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर इसे लागू किया जाएगा। कितना टाइम लगता है पूरा फॉर्म में पूरा करते करते? ये तो मैं अभी नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रोकैटालिटिक को हम लोग उसमें बनाएंगे, बनाने के बाद फिर हम लोग उसको वाटर में डाल के एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ टाइम के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उस हाइड्रोजन का हम लोग ये ग्राफ को रीड करके डेटा कलेक्ट करेंगे कि कितने वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। वेस्ट मटेरियल यानी प्लास्टिक और कचरा, जो अभी पूरे विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उसका भी यूज किया जा सकता है, और वह NML इसमें सहायक कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह ब्रेन, वह कौन है, वह ब्रेन या छोटे छोटे बच्चे जो कभी साइंटिस्ट बनेंगे लेकिन उनका सोच साइंटिस्ट को भी फेल कर देगा। मेरे साथ यह मटेरियल है जो अभी तक स्टील इंडस्ट्री का स्लैग से सिर्फ एक ही जगह यूज हो रहा है, वह रोड में, लेकिन उससे आप डोमेस्टिक या घर की वह बर्तन भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वह थर्मोकोल, जो एक बार यूज होने के बाद हमको लगता है कि पर्यावरण में सबसे अधिक नुकसानदेह है, उसका भी यूज किया जा सकता है हीट के माध्यम से। तो हमारे साथ वह टीम है जो इसमें लगातार लगे हुए हैं और इसमें नया नया रिसर्च कर रहे हैं। हम पहले उस टीम से बात करते हैं कि क्या क्या आप लोग रिसर्च किए हैं।
नमस्कार, मेरा नाम महेश प्रमाणिक है। ये जो है ये WTP है, वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क। इसमें सारी महिलाएं हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग ये बताते हैं, ये फ्लायर्स प्रोडक्ट है। फ्लायर्स में हम लोग सीमेंट है, बालू है और ये डस्ट है, ये तीनों को मिक्स करके हम लोग ये फ्लायर्स प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वेस्ट पेपर से बना हुआ है, टोटली ये वेस्ट पेपर से प्लेट बना हुआ है। ये स्कूल प्रोजेक्ट का मॉडल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना हुआ है। तो ये लाइटिंग कैसे, हाँ, इसमें सेंसर भी लगा हुआ है सर। आप लोग स्ट्रीट्स में देखते होंगे कि जब सनलाइट आता है तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट्स लाइट ऑफ हो जाता है। वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे सेंसर रहता है। अभी यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंसर यहाँ पे काम किया है, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। जब वो नाइट के व्यू टाइम आने लगता है तो हम लोग, तब क्या होता है ना, अंधेरा होने लगता है, तो तब इसको होने से ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये एकदम से प्रोजेक्ट है। देखिए बहुत बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर हम चाहेंगे कि कैमरामैन इसको दिखाए। देखिए सेंसर, हम लोग का बिजली बहुत ही कॉस्टली हो चुका है और ये जो गर्मी का टाइम में बिजली बचाना बहुत यूज है। देखिए उसको ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जा सकता है इसको, कि जो अपने हिसाब से ठंडा या अलग जनरेशन को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर के वह स्टूडेंट कॉलेज एक बार आकर इस स्टॉल को ज़रूर विजिट करें, जिसको आपको देखने समझने की बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए यह एग्जीबिशन एक सप्ताह लगाया गया है, जो आप आकर विजिट करें और समझें कि क्यों R&D, क्यों वैज्ञानिक की सोच अभी हम लोग को ज़रूरत है। नहीं तो आपका, आप पीछे हो जाएंगे, आपका समाज पीछे हो जाएगा और आपकी देश पीछे हो जाएगी और आप एकदम लास्ट पायदान में चल जाएंगे। AD लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।